education.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग RRB ALP CB 2 का जो तीसरा टेस्ट हुआ था इसका डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किए थे। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है, जिसमें अलग से कुछ कंसेप्ट को इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, तो अगर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस को फॉलो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, आइकॉन पर क्लिक करें, education.com चैनल को ओपन करें और साथ में वहाँ पर RRB ALP CB 2 टेस्ट इस नाम के फोल्डर को ओपन करें और वहाँ पर आपको टेस्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी ही हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर क्लिक भी कर लें, ताकि आने वाले टेस्ट का डेट और टाइम आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके साथ ही इस टेस्ट को हम लोग अब स्टार्ट सॉरी education.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग RRP जो तीसरा टेस्ट हुआ था इसका उसके क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर हमने सारा क्वेश्चंस नहीं लिया है, यहाँ पर आपको सामने दिख भी रहा होगा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd से कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को मैंने उठाया है, जिसके थ्रू अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सके, जिसके डिस्कशन से अदर क्वेश्चंस अगर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व करने में कुछ बेनिफिट मिल सके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर उठाया है। और अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पर RRB ALP CB 2 टेस्ट इसके लिए फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा। और वहाँ पर आप जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सारे टेस्ट का वीडियो मिल जाएगा, फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस आसानी से देख सकेंगे। और अगर आप लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम डेट दें आने वाले टेस्ट का डेट अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और कल जो टेस्ट होने वाला है, आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 28/11/2018, ठीक है, तो कल मतलब कि 29 को जो टेस्ट होगा वो EPPCL TG 2 के लिए होगा और आप इसे 11:30 AM में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो कंसेप्चुअल और जो अच्छे क्वेश्चन है मैं सिर्फ उसे देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3rd नंबर क्वेश्चन था उसमें था, किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है? गैस जो होता है बैटरी के डिस्चार्जिंग या चार्जिंग के समय, किस समय यह गैस सेल से बाहर आता है? तो यहाँ पर आंसर तो काफी लोगों को पता होगा और जो पिछले टेस्ट अटेंड किए हैं उन्हें तो श्योर इसका आंसर पता होगा, लेकिन हम इसके थ्रू कुछ और भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में किसी टाइप का कोई एसिड बाहर कोई गैस बाहर नहीं आता। ठीक है, जब हम लोग ओवर चार्ज कर लेते हैं लेड एसिड सेल को, जब ओवर चार्जिंग करते हैं मतलब कि फुल चार्ज होने के बाद भी चार्ज में लगा हुआ अगर छोड़ देते हैं, तो वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसा गैस निकलना शुरू कर देता है। जब हमारा लेड एसिड बैटरी ओवर चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है उसमें, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी में, और वो ओवर हीट हो जाता है और इस ओवर हीट की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसा गैस निकलना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रेशर होता है बैटरी के अंदर का वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो कहीं कहीं पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अनसील्ड फ्लोडेड लेड एसिड बैटरी दिया हुआ है, तो इसमें वेंटिंग के लिए वेंटिंग टेक्नोलॉजी होता है, जिसके जरिए जो हमारा प्रेशर होता है या फिर जो भी गैस होता है रिसर्कुलेट करता है या फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो वेंटिंग होता है इसका एक निश्चित कैपेसिटी होता है, अगर गैस का फ्लो इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो जो बैटरी के अंदर वाटर यूज होता है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, और बॉयल होने से जो वाटर होता है उसका लेवल कम हो जाता है और जो बैटरी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हमारा बैटरी ओवर चार्ज है और काफ़ी ज़्यादा हीट है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है उसका जो मात्रा होता है वो बैटरी के वेंटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, और इस केस में प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बैटरी में एक्सप्लोजन हो सकता है या फिर बैटरी जो है वो तेज़ी से विस्फोट कर सकता है।
तो इस टाइप का कंडीशन जनरेट हो जाता है। तो ऊपर जो हुआ वो हुआ लेड एसिड सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में जनरली जो हम लोग को जानना है पढ़ना है उसमें से वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लैग्रांजियन सेल, ड्राई सेल, मर्करी बैटरी और साथ में सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो यहाँ पर ये जो भी सेल यूज हुए हैं इनमें से कम तीन चीज़ें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वो है एक एनोड, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल है उसमें एनोड का कार्य कौन सा एलिमेंट करता है, इसके अलावा कैथोड और थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछ देता है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग वोल्टाइक सेल की बात करें तो यहाँ पर जो एनोड होता है जिंक का होता है, ठीक है, एनोड जिंक का बना होता है। इसके अलावा कैथोड की बात करें तो ये तांबा का या फिर कॉपर का यूज होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रख लेना है। अगर डैनियल सेल की बात करें तो यहाँ पर जो एनोड होता है वो होता है जस्ता का छर। यहाँ पर हम लोग एनोड के रूप में जस्ता का छर यूज करते हैं। और जब कैथोड की बारी आती है तो कैथोड में हम लोग तांबा का बेलनाकार परत यूज कर लेते हैं, ठीक है। तांबा का बेलनाकार परत कैथोड के रूप में यूज होता है। और इसमें हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट का तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग यूज करते हैं कॉपर सल्फेट का घोल, ठीक है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट और वोल्टाइक सेल में हम बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ईएमएफ की बात करें तो यहाँ पर जो ईएमएफ होता है या विद्युत वाहक बल जो होता है 1.08 होता है। और डैनियल सेल में अगर बात करें तो ए हो जाता है 1.1 वोल्ट। और अगर हम लैग्रांजियन सेल की बात करें, क्योंकि लैग्रांजियन सेल से ही हम लोग का ड्राई सेल भी बना हुआ है, इसी का एक थोड़ा सा डेवलप्ड फॉर्म है हमारा ड्राई सेल। तो यहाँ पर जो हम लोग एनोड के रूप में यूज करते हैं ए होता है हमारा जस्ता का छर, यहाँ पर जस्ता एनोड होता है। और कैथोड के रूप में हम लोग कार्बन का छर यूज कर लेते हैं। और इसका जो ईएमएफ होता है वो तो होता है 1.46 वोल्ट। और अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं, ये होता है अमोनियम क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। और ड्राई सेल जो इसी के थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड जो होता है पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि हम सब इसका काफ़ी यूज कर चुके हैं। तो जो एनोड होता है यहाँ पर जस्ता का ही होता है और जो कैथोड होता है वो कार्बन का बना होता है। और इसका हम ईएमएफ की बात करें, विद्युत वाहक बल की बात करें तो 1.4 से लेकर के 1.5 वोल्ट तक हो जाता है, ठीक है। और मरकरी सेल में आ जाते हैं, मरकरी बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैथोड के रूप में हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण यूज करते हैं। याद रखना है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण यूज होगा कैथोड के रूप में, और जो एनोड के रूप में यूज होगा वो होगा जिंक चूर्ण। जिंक चूर्ण एनोड का कार्य करता है। और उसके बाद बच जाता है हम लोग का सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल में जो कैथोड होता है वो जिंक चूर्ण होता है, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड में जो कैथोड होगा वो जिंक चूर्ण होगा और जो एनोड होगा वो होगा सिल्वर ऑक्साइड। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल अच्छी तरह से रट लेना है, याद कर लेना है। और उसके बाद सेकेंडरी सेल में आते हैं। सेकेंडरी सेल को जिससे हम लोग पुनः रिचार्ज भी कर सकते हैं, सॉरी चार्ज कर सकते हैं, ये पुनः चार्ज किया जाता है। और इसका आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज हो गया है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप आ जाने से, क्योंकि लैपटॉप मोबाइल फ़ोन में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है सेकेंडरी सेल का या फिर रिचार्जेबल बैटरी का। तो इसका जो सबसे पुराना फॉर्म है लेड एसिड टाइप, उसके बाद है निकल कैडमियम या फिर निकल मेटल, NiMH भी इसका नाम है, जो कि आपको मोबाइल फोन में भी जनरली मिल जाएंगे। पर आजकल जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो है लिथियम आयन सेल, जो इनके कंपेयर में ज्यादा अच्छा है। और जितना भी कॉस्टली मोबाइल फोन आ रहा है उसमें आपको लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लिथियम आयन पॉलीमर जो कि सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है और काफी कॉस्टली भी है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसका जो बेसिक डिफरेंस है इन सारे बैटरीज में उसे हम लोग देख लेंगे कॉमन नॉलेज से, ताकि याद रखने में भी आसानी हो। तो चार हम लोग को मेनली याद करके चलना है, लेड एसिड, निकल कैडमियम, निकल मेटल, लिथियम आयन, और एक जो नया आया है लिथियम आयन पॉलीमर। तो यहाँ पर जो बैटरी दिखाया गया है ये है हमारा
4400 mAh एक लैपटॉप का बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा चल रहा है और पावरफुल है, ठीक है। और नीचे में जो दिखाया गया है, ये एक बैटरी है जिसका यूज हम लोग जनरली वॉच वगैरह में करते हैं, और ये जो है एक टाइप का प्राइमरी सेल है, इसको हम लोग दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। मरकरी बैटरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं बारी बारी से जो रिचार्जेबल बैटरी है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब कि गुण और दोष शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है निकल कैडमियम NICD बैटरी का, ठीक है, NICD। और इससे पहले हम लोग NIFE के बारे में जान चुके हैं। अगर द प्लेटफॉर्म का बुक आपके पास है तो वहाँ पर आपने दोनों के बारे में पढ़ा होगा, NIFE के बारे में भी और NICD को भी। इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग कभी कभी एफी के जगह पर CD यूज करते हैं। तो यहाँ पर निकल कैडमियम सेल फोन बैटरी, ठीक है, आर बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो जनरली मोबाइल फोन के लिए लिया गया है, ठीक है, और जनरल पर्पस जनरल नॉलेज के लिए है। ये चार यहाँ पर बैटरीज का नाम है जो कि जनरली मोबाइल फोन में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे इसलिए उठाया ताकि इसे आसानी से याद रखा जा सके। ये चार टाइप का जो सेकेंडरी सेल है इसको आप आसानी से ध्यान में रख सके, क्योंकि कोई भी चीज़ देखने के बाद ज़्यादा आसानी से याद हो जाता है। कि मोबाइल बैटरी आप सबने देखा होगा और काफ़ी कंपेयर भी किया होगा कि कौन सा बैटरी कितना पावरफुल है। केमिकल यूज्ड इन NICD बैटरीज आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। निकल कैडमियम एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और जो इसके यूज को कम कर देता है। यहाँ पर जो कैडमियम रिच वेस्ट है, ठीक है, कैडमियम की वजह से जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है, ये इसको काफी चीपेस्ट टाइप का बैटरी बना देता है, ठीक है। देयर अफोर्डेबिलिटी हेल्प्स टू ब्रिंग डाउन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन। यहाँ पर निकल कैडमियम बैटरी का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर अगर एडवांटेज देखें तो इसको कई बार हम लोग चार्ज या डिस्चार्ज का जो साइकिल है कई बार कर सकते हैं 1000 times है, जो कि किसी का नहीं है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, करीब 1000 times इसको चार्ज डिस्चार्ज का जो साइकिल है कम्प्लीट करा सकते हैं। और साथ में इसका जो लोड परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और जो स्टोरेज है काफी सिंपल है, ठीक है। NICD को हम लोग बिना किसी ज्यादा केयर किए एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं, लेकिन वही अगर लिथियम आयन बैटरी की बात आ जाती है तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक साथ काफी मात्रा में अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो उसको एक जगह से दूसरा जगह भेजने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लिथियम आयन जो कि ज्यादा यूजफुल है और आजकल यूज हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है। गुड टेम्परेचर परफॉर्मेंस अच्छा है, प्राइस इसका काफी कम है, ठीक है। और साथ ही साथ डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, सिलेंड्रिकल या फिर मस्ट ऑफ द सेल्स आर सिलेंड्रिकल, जो ज्यादातर होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाया जाता है और डिफरेंट साइज में ये अवेलेबल है, मिल जाता है। इसके बाद इसका कुछ डिसएडवांटेज है, तो ऊपर ही हम लोग देख लिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली ये बैटरी नहीं है। और साथ में सेल्फ डिस्चार्जिंग का प्रॉपर्टी है इसमें पाया जाता है, अगर लंबे समय तक इसको रख करके छोड़ दे तो खुद से डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है वो है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, तो NIMH बैटरी भी काफी यूज होता है और ये जो होता है निकल कैडमियम बैटरी है उसके कंपेयर में कहीं ज्यादा बेहतर है, ठीक है। निकल कैडमियम बैटरी की तुलना में NIMH बैटरी, निकल मेटल बैटरी जो है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कैडमियम नहीं है, ठीक है। कैडमियम ना होने से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाता है और साथ में इसका जो कैपेसिटी है करीब 30-40% ज्यादा है इन कम्पेयर ऑफ निकल कैडमियम। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं, सिंपल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये तो उसके लिए भी था, लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली कैडमियम वाला नहीं था, और ये जो हमारा NIMH वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। सेल्फ लाइफ इसका जो है लिमिटेड है, ठीक है। जहां हम लोग निकल कैडमियम का देखे थे 1000 cycles, इसका मात्र है 200-300 cycles तक ही हम लोग सही सलामत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब इसको चार्ज करना होता है तो काफी ज्यादा समय लेता है, और जो सेल्फ डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग देख सकते हैं 50% हायर देन निकल कैडमियम। निकल कैडमियम के कंपेयर में जो सेल्फ से जो डिस्चार्ज होने की इसमें प्रॉपर्टी है 50% ज्यादा है, काफी तेजी से डिस्चार्ज हो जाएगा अगर रखा भी रहा तो। इसके अलावा मेंटेनेंस, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है और 20% ज्यादा एक्सपेंसिव है NIMH से, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है जिसका कीमत हम लोग को चुकाना पड़ता है। इसका 200-300 यूजफुल परफॉर्मेंस साइकिल है और साथ में चार्ज भी काफी स्लो होता है। इसके अलावा सेल्फ डिस्चार्ज प्रॉपर्टी जो है 50% ज्यादा है निकल कैडमियम के कंपेयर में। मेंटेनेंस की ज्यादा
ज्यादा आवश्यकता है निकल कैडमियम के कंपेयर में, और जो कोस्ट है वो 20% ज्यादा है, लेकिन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये हो गया NIMH बैटरी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद आते हैं काफी इंपॉर्टेंट बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। तो ये जो हमारा लिथियम आयन है, यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, काफी ज्यादा यूजफुल है और काफी एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी आता है, और NIMH बैटरी के कंपेयर में ये हल्का भी है। और अगर इसको हम 24 आवर से ज्यादा कंटिन्यू चार्ज में लगा हुआ छोड़ देते हैं तो ये जो हमारा बैटरी है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी को 24 घंटे से ज्यादा तक अगर हम चार्ज में लगा करके छोड़ दें तो ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर इसके एडवांटेज को देखें तो सबसे पहले हाई एनर्जी डेंसिटी और सेकेंडरी लो सेल्फ डिस्चार्ज, अगर रखा हुआ रहा तो ये जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होगा। उसके बाद मेंटेनेंस की आवश्यकता काफी कम है। यहाँ पर एजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर लिमिटेशन की बात करें तो एजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे जैसे पुराना होगा उसका जो कैपेसिटी होगा वो डिक्रीज करता चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट होता है। दिस रेस्ट्रिक्शन शिपमेंट ऑफ लार्जर क्वांटिटी ऑफ लिथियम आयन बैटरी मे बी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी कंट्रोल। अगर एक साथ काफी ज्यादा बैटरी को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट करें तो वहां पर स्पेशल इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर सिंगल है तो फिर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका कॉस्ट की बात करें तो निकल कैडमियम बैटरी के कंपेयर में 40% ज्यादा है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद आते हैं जो सबसे न्यू टाइप का जो बैटरी आया है, न्यूएस्ट है, वह लिथियम पॉलीमर बैटरी। लिथियम पॉलीमर बैटरी न्यूएस्ट एंड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर सेल फोन बैटरी, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है। अल्ट्रा लाइटेड वेट, इसका जो वेट है काफी कम है। दे डू नॉट सफर फ्रॉम मेमोरी इफेक्ट एंड विल डिलीवर अप टू 40% मोर बैटरी कैपेसिटी देन निकल मेटल हाइड्राइड। NIMH के कंपेयर में इसका 40% जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है सेम साइज के लिए, ठीक है, सेम साइज के लिए 40% इसका कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियां थी, जो आपके लिए एग्जाम के लिए भी और बेसिक नॉलेज के लिए भी, सेल के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए भी हेल्पफुल होंगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव था, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापते हैं, अपेक्षित घनत्व मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों के बारे में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले भी टेस्ट में बता चुके हैं। सबसे पहले हाइग्रोमीटर एक वेदर इंस्ट्रूमेंट है और मेजर क्या करता है, ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर में ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध का प्यूरिटी मेजर करने के लिए यूज होता है। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है। और इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व जब हम लोग को मेजर करना होता है तो हम लोग हाइड्रोमीटर ही यूज करते हैं, सी इसका सही आंसर है। और उसके अलावा टेकोमीटर जो होता है वो स्पीड शाफ्ट का या फिर रोटेटिंग जो स्पीड होता है उसको मेजर करता है, ठीक है। तो स्पीड मेजर करने के लिए टेकोमीटर यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर था हाइड्रोमीटर था। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है, इसमें बैटरी की दोनों प्लेट क्या बन जाती है यदि बैटरी डिस्चार्ज हो, बैटरी जब डिस्चार्ज हुआ तब बैटरी का जो दोनों प्लेट होता है वो क्या बन जाता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पर हमारा जो है वो ए लेड का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। ये जो हमारा बैटरी है लेड एसिड टाइप बैटरी है, यहाँ पर हमारा एसिड यूज हुआ है और यहाँ पर जो येलो कलर का दिखाया गया है ये है हमारा लेड सल्फेट। जैसे जैसे हमारा बैटरी डिस्चार्ज होता है इनिशियली यहाँ पर 12.6 वोल्ट लेकर के दिखाया गया है और यहाँ पर बल्ब जल रहा है, लेकिन जैसे जैसे बल्ब ग्लो करता है और हमारा जो बैटरी डिस्चार्ज होता है वो जो पीला का पोर्शन होता है वो इंक्रीज करते रहता है, ठीक है। मतलब की लेड सल्फेट का जो लेयर है वो बनते रहता है। इनिशियली अगर फर्स्ट पिक्चर में हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो पीला पोर्शन है काफी कम है, बिल्कुल थोड़ा सा दिखाया गया है इस पॉइंट पर, और जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज हुआ यहाँ पर 12.6 वोल्ट है, ठीक है, 12.6 वोल्ट पर यहाँ पर इस लेवल तक दिखाया गया है। और जैसे और डिक्रीज होता है मतलब कि 10.5 वोल्ट आता है, तो यहाँ पर 10.5 वोल्ट आते आते जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोड था वो येलो कलर का हो गया, जिसको हम लोग लेड सल्फेट या फिर सल्फेशन बोलते हैं इस प्रक्रिया को। अब इसके बाद हम लोग इस सेल को यूज नहीं कर सकते, इसके बाद अगर डिस्चार्ज हुआ तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस लेड सल्फेट के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो हमारा ये जो लेड सल्फेट है जो कि लेड के ऊपर पूरी तरह से जम चुका है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है, इनिशियली एक काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है।
और अगर डिस्चार्ज के अवस्था में इसको काफी लॉन्ग टाइम तक, मतलब कि ऐसा ही एजोलेट सल्फेट का परत बना हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ दे और दोबारा इस बैटरी को चार्ज नहीं करें, तो ये जो सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट लेड सल्फेट है, एक क्रिस्टल टाइप का हार्ड हो जाता है, ठीक है, ये हार्ड क्रिस्टल बन जाता है। और इस कंडीशन में फिर से इसको चार्ज करके वापस, अगर इनिशियल कैपेसिटी इसका 13.6 वोल्ट तक था, तो वापस इसका जो कैपेसिटी था रीगेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो डिस्चार्ज होने का जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो इसका वोल्टेज है वो 10.5 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, और जैसे 10.5 वोल्ट होता आ जाता है, इसको फिर से चार्जिंग साइकिल में लगा देना चाहिए ताकि इस किसी टाइप का क्रिस्टल का फॉर्मेशन यहाँ पर ना हो। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होगा अगर बैटरी पूर्ण चार्ज हो? तो यहाँ पर अपेक्षित घनत्व जो होता है किसी बैटरी का, वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं, डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी इंक्रीज करता चला जाता है, और जो मैक्सिमम पहुंचता है चार्जिंग कंडीशन में वो होता है 1.285, और जब ये डिस्चार्ज होता है तो वो होता है 1.14 के आसपास, ठीक है, ये इसका होता है डिस्चार्जिंग केस में, तो इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का, तो स्थिर वोल्टेज गेन करने के लिए जो आंतरिक रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 था लेड एसिड बैटरी में, क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, काफी सिंपल भी है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में जो पानी और अम्ल का अनुपात है वो 3:1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 था निकल आयरन सेल क्या है, तो काफी सेल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, निकल कैडमियम पर है, एनआई एमएच पर है, एमएच हमारा मेटल के लिए यूज होता है, ठीक है, तो आयरन के लिए हम लोग एनआई एमएच है वो कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 था लेड एसिड बैटरी में, क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, काफी सिंपल भी है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में जो पानी और अम्ल का अनुपात है वो 3:1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 था निकल आयरन सेल क्या है, तो काफी सेल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, निकल कैडमियम पर है, एनआई एमएच पर है, एमएच हमारा मेटल के लिए यूज होता है, ठीक है, तो आयरन के लिए हम लोग एनआई एमएच या फिर एनआई एपी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, निकल आयरन सेल को। तो ये पूछ रहा है कि किस टाइप का बैटरी है, तो हमने चार टाइप का बैटरी पढ़ा जो कि जनरली मोबाइल फोन में यूज होता है, तो ऑब्वियसली जो एनआई एफई होगा वो रिचार्जेबल होगा, मतलब कि सेकेंडरी सेल होगा, तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा तर सेकेंडरी सेल। और इसके बारे में एनोड और कैथोड की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लेट होता है हम लोग का वो होता है निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को पॉजिटिव प्लेट के रूप में यूज करते हैं, और जो यहाँ पर आयरन होता है एनआई एफई में वो होता है हमारा निगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये हमारा जो बैटरी है शुष्क नहीं है बल्कि तर सेकेंडरी सेल है, और एक्टिव मटेरियल जो इसमें होता है वो निकेल प्लेटेड स्टील ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है, जो एक्टिव मटेरियल होते हैं उसको हम लोग निकेल प्लेटेड स्टील ट्यूब में रखते हैं। एक काफी ज्यादा यूजफुल है और काफी रोबस्ट बैटरी है, ठीक है, इसका जो लाइफ होता है काफी लॉन्ग होता है, और कई बार इसको हम लोग ओवरचार्ज और डिस्चार्ज के जो साइकिल होता है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एज दिया हुआ है कैन लास्ट मोर देन 20 ईयर्स। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे एनआई एफई सेल के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए? तो ऊपर में हम लोग पढ़े थे लेड एसिड सेल के लिए जो उसका इनिशियल वोल्टेज था 12.5 के आसपास था और डिस्चार्ज हुआ था 10.5 वोल्ट तक, उसके बाद बोला गया था कि 10.5 वोल्ट से नीचे ये नहीं आना चाहिए। तो वहां पर नंबर जो सेल था वो था यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 सेल को कंबाइंड करके दिखाया गया है। तो अगर हम एक सेल के लिए बात करें तो हमारा जो वोल्टेज है 10.5/6 जो कि करीब 1.8 वोल्ट के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आए लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा 8.1.8 वोल्ट, इसके नीचे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा और फिर इसको चार्ज करना डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर ये जो अपना कैपेसिटी है पुनः गेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा जब बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगा, तो ओवर चार्ज हम लोग देखे पानी की कमी हो जाती है, अधिक गैस निकलता है
और साथ में आंतरिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी लक्षण ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एडिसन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो एडिसन सेल की अगर एग्जाम्पल हम ले ले तो NiF हमारा जो है एक एडिसन सेल है और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज कर सकते हैं और जो हमारा निकल ऑक्साइड होता है वो कैथोड के रूप में और जो आयरन होता है वो एनोड के रूप में यूज होता है, जो कि हम लोग आगे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होता है? जब डिस्चार्ज होता है तो इसका रंग सफेद हो जाता है। यहाँ पर कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में यूज होता है? तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ पर लिकलांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है ये भी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हर एक प्राइमरी सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट था वो हम लोग देख चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो क्या होगा जैसे पूर्ण डिस्चार्ज हो? तो चार्ज का केस हम लोग ऊपर देखे थे, यहाँ पर डिस्चार्ज का केस है 1.14। यहाँ पर शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किस चीज से बना होता है? सारा कुछ डिस्कस हो चुका है ऊपर में। संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है? तो अगर संचायक बैटरी की क्षमता की बात करें तो वो एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। कितने एम्पियर आवर का बैटरी है इससे हम लोग पता करते हैं कि उसका क्षमता और कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने किया और इसके ऊपर इसके अलावा जो डिटेल थ्योरी था सेल का वो हमने देखा और जो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो प्राइमरी सेल का एनोड कैथोड EMF, ठीक है, विभवांतर बल कितना होता है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है प्राइमरी सेल में। हमने 6 प्राइमरी सेल के एनोड कैथोड और EMF साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान में रखें, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए।